वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं बहुत दिनों बाद ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, मतलब ये बहुत पहले बनाया था लेकिन फिर से एक बनाने का ज़रूरत लगा मेरे को, क्योंकि सबको लगता है लैग हो रहा है। तो इस लैग को कैसे फिक्स कर सकते हैं, और अगर आपके पास अच्छा पीसी नहीं होगा तो ज़रूर लैग करता होगा ये शेडर्स। तो बहुत सिंपली हम देख लेंगे कैसे आप अपना FPS को थोड़ा बहुत भी बूस्ट कर सकते हैं और लैग कम कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले ऑप्शंस में चले जाना, ऑप्शंस में जाने के बाद वीडियो सेटिंग्स है, वीडियो सेटिंग्स में जाके ये जो ग्राफिक्स है इसे फैंसी से आप फास्ट कर सकते हो, ये देख सकते हो नीचे देखो, फास्ट मतलब लो क्वालिटी है, फास्ट उससे हो जाएगा। और उसके बाद जो रेंडर डिस्टेंस है उसे आप 2 से 8 तक रख सकते हो। मैं 2 रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि 2 ज़्यादातर मतलब ज़्यादा दूर नहीं देख सकता, ये 6 से 8 तक रख सकते हो आप। 6 काफ़ी डिसेंट है, और इसे आप 9 या 8 पे रख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा होगा। और इधर अपने डायनेमिक लाइटिंग को आप ऑफ कर लेना, तो ये थोड़ा सा बूस्ट आपको दे देगा, नहीं तो आप फैंसी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफ़ करोगे तो लैग थोड़ा कम हो जाएगा। और इसके बाद डायनामिक एफओबी को आप ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा वैसे में। और उसके बाद आपके क्वालिटीज़ में आके इसके साथ आप थोड़ा बहुत खेल सकते हो। इधर एफओबी को आप कम कर दो, ये इसे भी पूरा ऑफ कर दो, और इसके साथ थोड़ा बहुत खेल के देखो कौन से में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि स्काई को आप ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ये आपके लुक्स के ऊपर है पूरा। तो इसके साथ थोड़ा बहुत खेलो, देखो आपके लिए कौन सा अच्छा है, अच्छा शूट करेगा। तो डन कर दो। डन करने के बाद इधर परफॉर्मेंस में आ जाओ, परफॉर्मेंस में आके इनको अगर ऑफ ऑन है तो इनको ऑन रहने दो, नहीं तो ऑन कर लो, ये बहुत काम देंगे। इन चीज़ को मैं ऑन कर लेता, डायनामिक अपडेट्स को ऑफ करना रखता हूँ, और ये बाकी सब ऑन कर लेते हैं। तो डन। और इधर स्मूथ लाइटिंग को आप मिनिमम कर लेना, मैक्सिमम रहेगा तो मिनिमम ही अच्छा है, या ऑफ भी कर सकते हो, ऑफ भी काफ़ी अच्छा ये है, तो मिनिमम रखते हैं। और इधर आप एनिमेशंस में आके ये बहुत सारे एनिमेशन है, इनको ऑल टर्न ऑफ कर सकते हो, टर्न ऑन कर सकते हो। ऑफ करोगे तो 5-10 FPS शायद बढ़ जाएंगे, तो ऑफ रख देते हैं। डन। और हाँ, अभी इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपका जो शेडर्स पे है, शेडर्स पे क्लिक करना, इधर जो रेंडर क्वालिटी है इसे सबसे कम जो हो सकता है वो कर लेना। हाँ, ये देखो रेंडर क्वालिटी अपना 0.6 है, ये जितना ज़्यादा होगा, देखो यहाँ ये जितना ज़्यादा होगा उतना आपका टाइम लेगा। तो ये कर दिया, उसके बाद हम शेडर्स ऑप्शन में आ जाएंगे। शेडर ऑप्शन में आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, आपका जो प्रोफाइल है उसे अल्ट्रा नहीं लो कर लेना है। लो कर लोगे तो सब ठीक ठाक होगा, मतलब आपका बहुत ज़्यादा FPS बूस्ट हो जाएगा, और ये बहुत ही मतलब अपना परफॉर्मेंस आपके PC में बहुत अच्छा देगा। और इसका स्काई पे आके आप यहाँ से इनको साथ पूरा आपको खेलना है, मतलब आपके लिए कौन सा शूट कर रहा है, अपने PC के लिए कौन सा शूट कर रहा है वो देख लेना। ये देखो ये जो आ गया, इधर इनको ऑफ ऑन करके देख सकते हो, इसको पूरा 0 कर दो, बढ़ा के देखो आपके लिए कौन सा अच्छा है। यही बस है, वाटर्स को है, ये देख लो सेम ही चीज़ है, आपको बस इनके साथ खेलना है। ये देखो इनको आप ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी रहने दे सकते हो, ये पूरे आपको FPS बूस्ट देगा। लेकिन इनको सब ऑफ कर दोगे तो शेडर्स लगाने का मतलब नहीं बनता है, कुछ कुछ ऑफ कर दो जो आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखो अपना कितना फास्ट हो चुका है, मैं फील कर सकता हूँ जो मेरा गेम है ये बहुत ही फास्ट हो चुका है, और ये देख सकते हो आप। ज़रूर ट्राई करना है ये स्टेप्स को, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो स्लो करके फिर से देख लेना, इजी है, बहुत ही इजी है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, पता है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप सोचते हो मैं गलती से बड़ा यूट्यूबर हो जाऊँगा तो क्या करोगे, अरे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, रेड आइकन है तो उसे ऐश कर दो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।